मैं जानता हूँ जहाँ पे इंसान की इज्जत ना हो वहाँ पे उसको हरगिज नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप देख लो हाथ जोड़े ने ताड़े अगे खुदा दा वास्ता है घर बह जाओ बह जाओगा। तो फाइनली गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दी है। लॉकडाउन से होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ, आ जाए मेरे साथ। जब गवर्नमेंट लॉकडाउन करती है तो वो ऐसे ही अनाउंस नहीं करती, हालात जब बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट लॉकडाउन के लिए अनाउंस करती है। और लॉकडाउन से होगा ये कि लोगों में इस बात का शऊर पैदा होगा, लोगों को इस बात का इल्म होगा कि हालात बहुत ही ज़्यादा संजीदा हैं और उनके लिए घर में बैठना कितना ज़रूरी है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रूम है, ये मोबाइल है और आप हैं। ये कोई एल्गोरिथम या अलजबरा नहीं है जो आप लोगों की समझ में ना आए, छोटी सी बात है और इंतहाई सिंपल सी बात है। ये वायरस इंसानी जिस्म या किसी भी जानदार से निकलकर सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स खुली हवा में खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाले जो जरासीम हैं वो अगले 3 दिन तक जिंदा रहेंगे। वो फिर हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर गिरे पड़े हों या फिर हवा में हों, ठीक है, अगले 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। नुकता फिक्र ये है कि अगर सारे लोग अपने घरों में सिर्फ और सिर्फ दो हफ्ते के लिए 14 दिन के लिए अपने घरों में बैठ जाएँ तो इस वायरस को कोई होस्ट यानी कि कोई और इंसानी जिस्म नहीं मिलेगा जिसमें ये मुंतकिल होकर जा सके, ठीक है, और इस वजह से ये वायरस 2 हफ्ते बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। चूंकि आप अपने घरों तक महदूद रह चुके हैं तो मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग नमाजों की अदायगी शुरू कर दें, आप लोग सदका और खैरात करते रहें और इस आजमाइश से निजात के लिए दुआ करते रहें। तो कहना यह चाहता हूँ कि अभी वक्त है आप लोगों के पास, एहतियात करें बजाय इसके कि पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाए और फिर हम कुछ भी ना कर सकते हों, बेबस हो के अपने अपने घरों तक महदूद हों और इंतज़ार कर रहे हों कि कब मौत हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी। देखें, मैंने आपको सारी बातें बता दी जो जो मुझे मालूम था या जो जो मैंने मालूमात इंटरनेट से उठाई वो सब की सब आपके सामने बता दी। अब फैसला आप पे है, आप घर में रहना पसंद करेंगे या हॉस्पिटल में या फिर फोटो फ्रेम में, चॉइस इज योर्स मैन। कोरोना के साथ साथ उस कीड़े के लिए भी कोई ना कोई वैक्सीन तैयार की जाए जो हमारी आवाम को घरों में बैठने नहीं दे रहा।